इन दिनों साउथ के सभी एक्टर्स को पीछे छोड़ दो एक्टर्स राव पोथी नैनी और विजय देवरकोंडा हर मामले में सभी से आगे निकल गए हैं। फिर चाहे वो हिट फिल्में हो, पॉपुलैरिटी हो, सैलरी हो या फिर लाइफस्टाइल, सभी चीजों में सबसे आगे निकल गए हैं और बन गए हैं साउथ के नए सुपरस्टार एक्टर। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए साउथ के इन दो नए सुपरस्टार एक्टर में से किसने की है सबसे ज्यादा फिल्में, कौन है सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, किसकी सबसे ज्यादा है सैलरी और कौन जीता है एक दूसरे से ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल, नहीं जानते ना? तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दोनों की मूवी, सैलरी, पॉपुलैरिटी और लाइफस्टाइल में कंपैरिजन करेंगे और अंत में देखते हैं कि कौन इन सब मामलों में एक दूसरे से आगे निकलता है। फिर बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और साथ ही अपने फेवरेट स्टार के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहले बात करते हैं विजय देवरकोंडा की और शुरू करते हैं इनकी फिल्मों से। तो आपको बता दें कि अपने 9 साल के करियर में इन्होंने अब तक 18 फिल्मों में काम किया है, जिनमें इनकी 14 फिल्में हिट रही, जिसमें डियर कॉमरेड, गीता गोविंदम, अर्जुन रेड्डी और वर्ल्ड फेमस लवर जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं और बाकी बची 4 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। आपको बता दें कि हर फिल्म में इन्होंने 4 करोड़ रुपए फीस चार्ज कर अच्छी कमाई की थी, जो इनकी सैलरी है, और अपनी इसी कमाई को अपनी लाइफस्टाइल पर भी खर्च करते हैं। आपको बता दें कि जहां ये 50,000 वाले वर्साचे जैसे ब्रांड के कपड़े कैरी करते हैं, तो वहीं 25,000 से 30,000 के रोडस्टार और लुइस फिलिप्स जैसे शूज कैरी करते हैं। साथ ही 1 करोड़ वाली रोलेक्स जैसे ब्रांड की हैंड वॉच भी कैरी करते हैं। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि इनके पास BMW 300D, Audi A6 और Mercedes GLC 300 जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। अब अंत में बात करते हैं इनकी पॉपुलैरिटी की, तो इस स्टार ने काफी कम समय में ही काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है, तभी तो इनके इंस्टा अकाउंट पर करीब 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री के रॉकिंग स्टार राम पोथी नैनी के बारे में, जिन्होंने अपने 18 साल के करियर में करीब 22 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से इनकी करीब 15 फिल्में हिट रही, जिसमें हेलो ग्रुप, प्रेमा कोसा में स्टार शंकर और रेड जैसी कई फिल्में शामिल है और बची हुई 7 में से 3 फिल्में फ्लॉप रही थी और 4 ने कम कमाई की है। ये तो थी इनके फिल्मों के बारे में बात, लेकिन अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो आपको बता दें कि ये हर फिल्म में काम करने का 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अपनी इसी कमाई को ये अपनी लाइफस्टाइल पर भी बखूबी खर्च करते हैं। शुरू करें इनके कपड़ों से, तो आपको बता दें कि ये एक दिन में टी शर्ट, जीन्स वाले कैजुअल लुक पर करीब 80,000 रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं ब्लेजर सूट वाले फॉर्मल लुक पर ये करीब 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। साथ ही 50,000 वाले ओलिवर केवल ब्रांड के कैजुअल शूज और 1 लाख वाले जिमी चू जैसे ब्रांड के शूज ही कैरी करते हैं। वहीं बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार में 1.5 करोड़ रुपए की रेंज रोवर वोग, BMW और पोर्शे जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। अब अंत में बात करते हैं इनकी पॉपुलैरिटी की, तो आपको बता दें कि इनके इंस्टा अकाउंट पर 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं ये कितने पॉपुलर हैं। वेल दोस्तों, देखा जाए तो दोनों ही किसी न किसी मामले में एक दूसरे से आगे हैं। अब जैसे फिल्में और हिट फिल्मों के मामले में राम विजय से आगे हैं, पर सैलरी के मामले में 5 करोड़ सैलरी के साथ विजय 4 करोड़ वाली सैलरी के राम से आगे हैं। वहीं महंगी लाइफस्टाइल में राम विजय से आगे निकल गए हैं, मगर पॉपुलैरिटी के मामले में 11 मिलियन फॉलोअर्स के साथ विजय 2.7 मिलियन वाले राम से ज्यादा पॉपुलर साबित हुए। तो दोस्तों, विजय और राम में से आपके हिसाब से इस कंपैरिजन में किसने बाजी मारी है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।